बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ के प्रोग्राम टाइम टू टॉक के साथ आपका मेज़बान शुक्र से नाज़रीन खिदमत है। नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से एक एपिसोड हमारा आगे चल रहा था, दूसरे एपिसोड के साथ हम आगे इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे तालीम भी हैं प्रोफेसर सईद अलीम गर्दीर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। एक बात नाज़रीन यहाँ पर मैं लाजमी शेयर करूँगा, लिब्रा नेटवर्क मीडिया सेंटर जो है वो इस हवाले से प्रॉपरली ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए आप लोगों के तावन से मुकम्मल तौर पे आपको आगाह रखने के लिए लिब्रा एफएम पे हमारे मुसलसल प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। और हमारी लिब्रा एफएम की जो टीम है जिसमें साहिब बर्ड साहब हैं, राज किरण साहब हैं, शोकत तैमूर साहब हैं और दीगर मेहमानों को भी इन्वाइट किया जाता है, इंतजामिया से मुकम्मल तौर पर रबते में रहते हैं और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बिल्कुल रेगुलर आप लोगों तक पहुँचाने में हमारी ये टीम जो है कारकर्दगी दिखा रही है। हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और मुबारकबाद भी पेश करते हैं। प्रोफेसर सईद अलीम गर्दीर साहब मौजूद है। मुख्तसरन आज के प्रोग्राम में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो जो करंट सिचुएशन है प्रोफेसर अलीम गर्दीर साहब, कोरोना वायरस की, चूँकि आपको पता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं इसमें ज़ाहिर है मुसलसल वो सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है, मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है, केस ज़्यादा से ज़्यादा केस भी सामने आ रहे हैं लेकिन लोग रिकवर भी हो रहे हैं। जी शुक्र हुसैन, मैं सबसे पहले लिब्रा नेटवर्क मीडिया सेंटर बाग की इंतज़ामिया का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस आम मौजू पे, इस आम इशू पे आपने जो है ना ये आज का ये नशीस का अहतमाम किया आज की, ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अप्रिशिएबल है। शुक्र हुसैन, जब हमने पहला प्रोग्राम किया था तो उस वक्त हम शुरुआत में थे, यानी आप ये समझ लें कि ये कोविड-19 जो है ये स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहा था हमारे मुल्क के अंदर, तो हमने उस वक्त भी बहुत सारी तहफात जो है वो उनका इज़हार भी किया था और बहुत सारे खदशात का भी इज़हार किया था और हमने कोशिश की थी कि इस मीडिया के तवसत से हम जो है ना लोगों को वो अवेयरनेस दे सकें और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं उसके हवाले से लोगों को हम जो है ना वो बात कर सकें। तो यकीनन हमने कोशिश की अपनी तरफ से, बहरहाल चूँकि उस वक्त शायद लोगों को इस की इंटेंसिटी का, इसकी थ्रेट का शायद उस तरह से कोई अंदाज़ा नहीं था। बहरहाल फिर अब मैं समझता हूँ कि अब जो है वो बहुत हद तक ये अवेयरनेस कैंपेन बड़ी मटेरियलाइज हो गई है और लोगों तक ये चीज़ें थ्रू मीडिया, सोशल जो है ना वो साइट से और जो है ना वो सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे मतलब जो सोर्सेज हैं उस हवाले से जो है ना, चूँकि अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है तो मैं ये समझता हूँ कि अब हम खासी आता है कि उससे अवेयरनेस हासिल कर चुके हैं। शुक्र से देखें, इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि आज जो जिस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है और जो ज़्यादा जो हमारे लिए जो प्रॉब्लमेटिक बना हुआ वो ये है कि हमें इतनी अवेयरनेस लेने के बावजूद भी आप ये देखते हैं कि अभी तक हम वो जो जिस जो स्लोगन हमें दिया गया सोशल डिस्टेंसिंग का, उस पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं हो रहा और मैनेजमेंट जो है हमारी इंतज़ामिया जो है या हमारी हुकूमत जो है वो बारहा इस पर जो है ना वो बात कर रही है। और आप ये देखें कि इसी सोशल डिस्टेंसिंग को जो है ना वो मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने के लिए आपको देखें कि आज हम जो है ना वो अराउंड अबाउट थर्ड वीक में जो है ना लॉकडाउन के दाखिल हो चुके हैं और ये अब कब तक, ये 14 तारीख तक तो ऐलान हुआ है, कब तक ये लॉकडाउन चलता है और ये जो लॉकडाउन है इसके बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। ये लोग या आवाम ये समझती है कि शायद ये कोई ज़्यादती वाली बात है, ऐसा नहीं है। यकीनन ये जो लॉकडाउन है ये हुकूमतें जो हैं या हमारी हुकूमत ने ये किसी खुशी में नहीं किया, बल्कि ये बड़ा मुश्किल डिसीजन था कि ये जो लिया गया लॉकडाउन के हवाले से और इसके जो मुस्बत असरात मरतब हो रहे हैं वो ये है कि अगर ये लॉकडाउन ना होता शुक्र से तो मैं हम ये पूरी जो दुनिया की सिचुएशन जा रही है हम शायद इसके मुतामल नहीं हो सकते। सही बात है, सही बात। तो ये एक तो ये हमारी हुकूमत को इसमें क्रेडिट भी जाता और दूसरा एक अपॉर्चुनिटी जो मिली वो ये कि हम अपनी जो मेडिकेशन थी या मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में भी हमें जो है ना ये मौका मिला, हमारी हुकूमत को मौका मिला और ज़्यादा फैसिलिटीज़ को प्रमोट किया गया और ज़्यादा जो है ना ये इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बेहतर काम होमवर्क ज़्यादा अच्छा हो गया। तो अल्लाह करे ये इस वबा से जो है ना वो पूरी दुनिया की जान छूटे, जो है ना ये जहाँ दुनिया में जहाँ भी लोग इंसान आबाद हैं ये सारे के सारे इससे मुतासर हैं, ये कोई लिमिटाइज नहीं है बल्कि ये ना तो इसकी कोई
कोई बॉर्डर नहीं है, ये तो अक्रॉस दी बॉर्डर जो है ये फैल रहा है और ये कोविड-19 जो है ये तो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अपनी हद तक जो है वो एहतियाती तदाबीर जो अख्तियार की जानी चाहिए वो हमें ज़रूर उसकी मैयत हमें लेनी चाहिए जी। अच्छा, चूँकि प्रोफेसर अलीम गर्दे साहब, एक तो ये है कि ये चूँकि जो है तकरीबन जब से ये सिलसिला शुरू है लॉकडाउन और हम लोग इस पर चूँकि बड़े शुरू शुरू में लोग इसको बड़ा अजीब अंदाज में ले रहे थे, हम यहाँ पे मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे ज़िला बाग की इंतज़ामिया को कि आप देखें कि अभी तक जो जिस वक्त हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक अल्लाह का शुक्र है कि बाग से कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया और ये कुछ ज़रूरी नहीं है बिल्कुल पॉजिटिव यहाँ पे आ सकते हैं चूँकि ये भी पूरा एक ज़िला है, यहाँ भी आबादी है, ये एक ये है एक हवेली आप कह सकते हैं और एक हटिया वाला, ये तीन अज़ला आबाद कश्मीर के ऐसे हैं कि जिनमें अभी तक कोई पॉजिटिव केस यानी प्रॉपरली ज़िले के अंदर नहीं आया। मुझे इतफाक से आज एक क्वारंटीन सेंटर का भी विज़िट करने का मौका मिला, मीन के उनके जो इंचार्ज हैं उनसे मुलाकात भी हुई, उनसे बड़ी डिटेल डिस्कशन भी हुई इस हवाले से। तो यहाँ पे भी बड़े माकूल इंतजाम किए गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आपको पता है उसको सेंटर बना दिया गया है, इसी तरह दो तीन होटल जो हैं उनको आइसोलेशन वार्ड्स जो हैं वो बनाई गई हैं, वो अलग अलग दो गेस्ट हाउस उनके सेंटर भी बनाया गया, इंतजामिया मुकम्मल तौर पर चौकस है, पुलिस की नफरी जो है वो हर जगह पर काम कर रही है और सबसे बड़ी कि आर्मी आपने देखा कि आर्मी का जो रोल है वो हर जगह पे मौजूद है, कम्प्लीटली देखा जा रहा है। थोड़ा बहुत जो प्रोफेसर साहब मैं हम आगे चल के इस पे बात करेंगे कि असल में कोरोना वायरस क्या है, ये तो हम जान चुके हैं, इससे बचना कैसे है इस पे थोड़ा सा गौर करना है, लेकिन उसके नफसियाती जो असरात हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो समझता हूँ मैं कि सबसे बड़ी ज़रूरी बात है प्रोफेसर साहब, लोगों के दिल दिमाग और उनके जहन में जो बैठने की बात है या जिसको उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए वो है हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत, सोशल डिस्टेंस हो गया, क्राउडिंग से ग्रेज हो गया, शॉप पे आप जाते हैं तो डिस्टेंस रखें, आप किसी स्टोर पे जाते हैं डिस्टेंस रखें, अभी आप देखें एहसास प्रोग्राम या मुख्तलिफ जो पेमेंट्स वगैरह हो रही हैं वहाँ पे पैसों के लालच में, अभी जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इससे पहले कराची में एक जगह सिर्फ एक घर के सात अफराद सिर्फ इसलिए कि एक आदमी ने एक आदमी की ट्रैवल हिस्ट्री थी और उसकी वजह से सात आदमी मुतासर हो गए, तो ये इस चीज़ को जो है ना देखना बहुत ज़रूरी है जी। शुक्र हुसैन है, मैं आपकी बात को इंडोर्स करते हुए कि हमारी जो मुकामी इंतज़ामिया है बिलखसूस ज़िला बाग की जो इंतज़ामिया है यकीनन बहुत अच्छा काम किया है, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को डिप्टी कमिश्नर साहब को उनकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, यकीनन बहुत अच्छी मेजर्स ली उन्होंने और मैं ये समझता हूँ कि मैं इसके साथ साथ मैं आपके मीडिया के लोगों को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया, ये जो हमारे साफ़ी हज़रात हैं इनका भी बड़ा इसमें बड़ा रोल है और ये निशानदेही करते रहे चीज़ों की, इंतज़ामिया को बाखबर करते रहे और मैं समझता हूँ कि ये एक कोलेक्टिव एफर्ट है जिसका नतीजे में मैं समझता हूँ कि बाग के अंदर हमारी मैनेजमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, ये मेरा चूँकि ये क्रेडिट तो इनको दिया जाना चाहिए और मुश्किल सूरत हाल में लोगों को कंट्रोल करना शौकत हुसैन बहुत मुश्किल काम था, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव लॉकडाउन जो है इन्होंने बाग के अंदर किया है, ये बड़ी खुशाइन बात है। शौकत हुसैन आप ने बिल्कुल ये कहा कि घरों के अंदर लोग रह रहे हैं जिसमें हमारे जो सोशल साइको इश्यूज जो है ना वो भी आस्था जन्म ले रहे हैं और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, इसलिए कि प्रोफेसर साहब आपकी बात काट रहा हूँ माजरत चाहता हूँ, असल में जो एक प्रॉब्लम हो गया ना, मैं समझता हूँ कि कुछ हम आर्टिफिशियल लाइफ गुजारना शुरू हो गए थे और अब हम आर्टिफिशियल लाइफ से फिर नेचुरल लाइफ की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आप देखें मार्केटें बंद है इंतजाम चल रहा है, होटल बंद है इंतजाम चल रहा है, इवन के स्कूल बंद है इंतजाम चल रहा है, बेशुमार जो चीज़ें हैं आप देखें वो उस तरह से मैसर नहीं है लेकिन निज़ाम चल रहा है। इससे साबित ये हुआ कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमने अपने लिए नागजीर कर ली थी मैं इस खातर के वो हमारे पास मौजूद थी, तो अब जब ये आप तजर्बा आप देखें ये जो लॉकडाउन है ये सिलसिला जारी रहेगा, इसमें तोसी के भी इम्कान हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल से थोड़ा नेचुरल की तरफ हम आए। अब जो घरों में रहने वाला एक जिस टॉपिक की तरफ मैं आगे आपको ले जाना चाहता हूँ वो ये है कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जिससे हमारे बहुत सारे लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठाने के बजाय इसको बाद अवत इससे वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। असल में शुक्र हुसैन जो बात आप कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है कि यानी हमारा चूँकि एक मजाज ये बन चुका था कि हम वाकई नेचुरलिज्म में से दूर हो गए थे, हम थोड़ा सा अब लाइफ को आर्टिफिशियलिटी की तरफ लेके आ गए, इसलिए कि हमने एक्सक्यूज ढूंढ रहा बनी बनाई, फिर ये था कि बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी है और हम उसमें जो है ना लोग अपने ना फिर बच्चों को टाइम दे पा रहे थे ना अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे थे, तो ये जो आइसोलेशन हुई है इस आइसोलेशन का तो एक तो मैं समझता हूँ कि यह है कि हम बिल्कुल नेचर की तरफ वापस आए, नेचुरलिज्म की तरफ आए और जिसकी वजह से आप ये देखें कि ऐसी सूरत हाल थी कि हमें जो है ना वो मोस्टली जो लोग इतने जो काम में इतने बिजी कि उन बेचारों को नो रेस्ट नसीब होता
کوئی صبح نکلتے تھے شام کو گھر آتے تھے، تو گویا کہ لائف ایک میکینیکل لائف بن گئی تھی، ایک مشینی زندگی ہماری تھی۔ تو یہ تو سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا، اس لاک ڈاؤن کا تو ایک پازیٹیو جو اسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب لوگوں کو اپنے فیملیز کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا گھروں میں بیٹھ کے، اور ایک ایسوسیشن جو ہے نا انہوں نے مہیا کی، اور اس ایسوسیشن کا یہ ہے کہ کم از کم ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہمارے وہ بڑے بچوں کے والدین کی ایسوسیشن زیادہ بڑی، بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ملا۔ اور پھر ایک اور بات میں سمجھتا ہوں شوکت حسین، وہ یہ ہوئی کہ جو ہے نا یہ لوگوں نے لوگوں کو مذہبی رجحان کی طرف لے کے آیا، یہ چیز یہ بڑا پازیٹیو، کیونکہ بعض سے مسلمان تو خیر ہمارا یہ ایمان بھی ہے اور یہ چیزیں تو میں ہماری زندگی کا لازمی جز ہے، لیکن ہم یہ دیکھا کہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ ایک بڑا شفٹ ہے، ایک بڑا پیراڈائم، بالکل دل سے ایکسیپٹ کرنا شروع، ایک پیراڈائم شفٹ ہوا شکر حسین کے، لوگ جو ہے نا ہم دیکھے کہ گھروں کے اندر جو ہے وہ عبادات میں مشغول ہو گئے، اور انہوں نے اس موقع کو اویل کیا، اور اویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ اس COVID-19 نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ ضرور کیا کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ مذہب کی طرف لوٹا دیا، جو ہمارے ایکسکیوزز ہوتے تھے کہ وقت پہ نماز نہیں پڑھنا، وہ جی مصروف تھے جی وقت کا یہ ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑا سا ایک پازیٹیو پہلو یہ بھی آیا کہ گھر میں رہتے ہوئے لوگوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع بھی ملا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری یہ جو مذہب کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ جو ہے نا وہ پیدا ہوا ہے، یا جو جسے ہم یہ کہتے تھے کہ یہ صحیح ڈائیورٹ ہوا ہے۔ اگر آپ ایڈ کریں گے ایک جو ہمدردی کا جو جذبہ ہے نا جی، آپ دیکھیں کہ انسانیت کی خدمت کا آپ کو ایک موقع ملا، حالات ایسے ہو گئے کہ شاید آپ کبھی نہ کر پاتے، لیکن آپ کو کسی کی خدمت کرنا پڑ رہی ہے، آپ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اگر آپ صاحب ثروت ہیں تو آپ کسی کو کسی کہیں نہ کہیں جو ہے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، یہ بھی ایک اس کا پہلو جو بڑا پازیٹیو پہلو ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کو کسی دوسروں کی تکلیف کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ فرض کریں ایک آدمی بالکل آرٹیفیشیل لائف میں، اتنا اس کے پاس پیسہ بھی ہے سب کچھ ہے، تو جو ایک عام آدمی تھا اس کی زندگی سے اس کو اپنی زندگی کو کمپیئر کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے کہ بھائی یہ کیسے گزارا کرتا تھا، کیسے سسٹم کو چلاتا تھا۔ دیکھیے شوکت حسین، میں جو اپنے آپ سے شیئر کر رہا تھا نا کہ اس نے ایسوسیشن بھی دی، انڈرسٹینڈنگ کا لیول بھی بڑھایا، اور ساتھ ساتھ ایک سینس آف ریئلائزیشن بھی ہمارے اندر پیدا ہوا۔ وہ یہ ہوا کہ دیکھیں ہمیں یہ جو مٹیریلزم ہے اس کی دوڑ سے لوگوں کو نکالا ہے، ہم سب کو نکالا، مٹیریل جو ہماری مٹیریلسٹک اپروچ تھی، مادیت کی طرف جو ہمارا رجحان تھا اس کو تھوڑا سا لوگوں کو ریورس ہوئے لوگ، اور یہ کہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے ایک چیز آ گئی کہ اللہ نے جو ہے یہ مصیبت جو ہے یہ پوری دنیا پہ یہ جو آزمائش آ رہی ہے، یہ جو ہے نا یہ پوری دنیا اپنی طاقتیں لگا کر، اور دنیا کی سپر پاور جو ہے نا وہ اس کے آگے بے بس ہو گئی ہے، صحیح بات ہے، اور یہ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں، اور وہ انہیں دیکھا کہ ہماری اتنی مٹیریلسٹک چیزیں جو ہے یہ ہمارے کام نہیں آ رہی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک تھوڑا سا شفٹ ہوا ہے، یہ مائنڈ سیٹ بھی تھوڑا سا چینج ہوا ہے لوگوں کا کہ یہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ایک بات اور، چونکہ میں اس سے آپ کی اسی بات سے جڑی ہوئی ایک بات کہوں گا کہ چلیں کرونا وائرس ہے جی، اس کا ایک خوف ہے، سب کچھ آپ اس سے ڈر رہے ہیں، یہ ہے وہ، ایک تو یہ ہے کہ اس سے ڈرنا نہیں ہے، ڈرنے والی بات نہیں ہے پہلی بات، دوسری بات یہ ہے کہ سوچنا یہ ہے کہ چلیں کرونا وائرس کے بارے میں تو ہمیں پتہ چل گیا جی، ایک آر این اے کا ایک بالکل جین ہے باہر، یہ زندہ نہیں ہوتا ہے، اس کو زندہ رہنے کے لیے انسانی جسم کے اندر جانا ضروری ہے، انسانی جسم کے اندر جا کے بھی اس کو ٹائم لگتا ہے جنریٹ ہونے میں، پھر اس کے بعد یہ پرابلم کرتا ہے، اور آج ہی میں ایک انجینئر کی باقاعدہ اس کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ جو یہ بتا رہا ہے کہ بالکل آپ مت کریں، اس سے یہ فیس کرنے کی بات ہے، کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ۔ اور پروفیسر صاحب جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک لیب ہے جس نے ایک یونیورسٹی ہے جس نے اس پہ ریسرچ کی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر آٹومیٹکلی اس کے لیے مدافعت موجود ہے، امیونٹی ہے کہ وہ اس کو کور کر سکتے ہیں۔ تو پھر پلازما والی بات ڈاکٹر شمسی صاحب والی، اس پہ ورک شروع ہو گیا ہے، وہ ایک مطلب پاکستانی بھی اپنے طور پہ پاکستان کے اندر بھی اس پہ کام جاری ہے، آنے والے وقت میں مزید کچھ ایسی چیزیں نکل آئیں گی۔ ایک تو لوگوں کو اس لحاظ سے کم ڈرنا چاہیے، باقی اس کی آپ ڈیتھ ایوریج دیکھیں تو، اب یہاں پہ پروفیسر صاحب میں یعنی میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ڈیتھ ایوریج کا چونکہ کسی کو نہیں پتا کہ ٹی بی سے کتنی ڈیتھ ہو رہی ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ بہار سے کتنی ڈیتھ ہو رہی ہیں، کسی کو یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ کینسر سے کتنی ڈیتھ ہو رہی ہیں،
डिलीवरी केस में कितनी डेथ हो रही है, उनकी चूंकि एवरेज आजादीशुमार हमारे पास नहीं आते, इसके चूंकि काउंट होना शुरू हो गए, ये हम गिनना शुरू हो गए, तो इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया कि ज़्यादा मसला है। हालांकि आज ये जो डेथ की रेशियो है, ये आम हालात में आप देखें, ये अभी 4-5% पे गई है सिर्फ। जी शोकत हुसैन, देखें ये आपने ठीक है, ये जो एंग्जाइटी है ना, ये जो फियर है, सही, ये असल में जब हम इंटरनेशनल सिनेरियो में चीज़ों को देखते हैं ना, तो वहाँ की जो सूरत हाल जा रही है उसको देखते हुए एक नेचुरली इंसान के अंदर ये एक एहसास तो पैदा हो रहा है, खौफ पैदा हो रहा है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, हमारी मौत पे हमारा ईमान है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग फेथ है इस बात पे कि मौत ने मकरा वक्त पे आना है। सही बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस ये भी हम आपकी एक नेचुरल इम्यूनिटी को प्रमोट करती है। सही बात है। जब हमारे अंदर ये फियर ख़त्म हो जाता है, देखिए फियर करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपने बात की कि रिसर्च हो रही है इसके ऊपर, और ये ख़तरनाक ज़रूर है, लेकिन हमें इससे वो बात है कि डर जानलेवा नहीं है, हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, अलबत्त हमने इसको फेस करना है। वो फेस जो है हमारे अंदर अल्लाह ने एक ताकत दी है, वो ईमान की ताकत है, हम उसको उसको जहन में रखते हुए उस पर अमल करते हुए हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जो एहतियातें हैं बहरहाल वो अपनी जगह, इसलिए कि ये तो हमारा मजहब हमें सिखाता है कि तैयारी हमें उसके लिए मुकम्मल तैयारी करनी है। देख लेंगे यहाँ पे और उसके बाद प्रोग्राम को आगे जारी रखेंगे। शामदीन लिब्रा न्यूज़ का प्रोग्राम देख रहे हैं टाइम स्टॉक, अपने मेज़बान शोकत हुसैन के साथ। मेरे साथ मौजूद होते हैं सबसे बलीन गर्दी से बात हो रही है कोरोना वायरस के हवाले से, इस पर हम गुफ्तगू करें। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करें कि इसके जो नफसियाती असरात मतलब हो रहे हैं, जैसे कि आपने पहले हिस्से में बात की थी कि कुछ लोग थोड़ा सा बाल अवकात जैसे फियर का हमने जिक्र किया, इसके भी शिकार हो रहे हैं, बाल लोगों को बाल लोग अग्रेसिव भी हो रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है लोगों को, और वो गुस्सा आप किसी दूसरी जगह पर उसको जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से बाद जगहों पे टेंशन के माहौल भी क्रिएट होते हैं कि आप ये नहीं देख पाते कि आपको गुस्सा किस बात पे है, और वो गुस्सा आप किसी बच्चे पे या घर में किसी पे निकाल रहे होते हैं। तो इस पे भी थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है कि कहीं इसके पीछे कोरोना के असरात तो नहीं है। देखिए शुक्र हुसैन, ये बिल्कुल ये नेचुरल फिनोमिना है कि देखिए जब यहाँ बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो जाए, यहाँ बहुत ज़्यादा खौफ की, तो वहाँ एक ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं, ये इंसानी साइकोलॉजी है। और ये अभी तो हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई केसेस ऐसा रिपोर्ट तो नहीं होते, लेकिन मैं पिछले दिनों देख रहा था कि फ्रांस के अंदर बाकायदा ये जो है ना ये डोमेस्टिक वायलेंस है इश्यूज जो है वो शुरू हो गए हैं वहाँ, और वहाँ ये बात सामने लाई गई है कि जनाब अब जो है ना ये डोमेस्टिक वायलेंस इसमें प्रमोट हो रहा है। तो उसकी रीज़न ये है, देखें हमारा तो ये कल्चरल जो हमारी सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रहने वाले लोग हैं, हमारे अंदर ऑलरेडी एक जो एक्सेप्टेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, सही है, सही है। और हम चूँकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो ये हमें प्लस पॉइंट जा रहा है। नॉन डी लेस फिर भी जो है वो ये इस तरह के इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं जिसमें चूँकि एनजाइटीज़ बढ़ जाए या जहाँ बहुत ज़्यादा एक फियर क्रिएट हो जाए, तो वहाँ नेचुरली कुछ जो जो रिग्रेशन और जो रिग्रेसिव या जो एग्रेसिव एटीट्यूड है वो डिवेल्प हो जाते हैं। इसमें एहतियात की बड़ी ज़रूरत है कि जब आप एक घर के अंदर रहते हैं तो डेफिनेटली वहाँ इश्यूज भी पैदा होते जाएंगे, तो उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो खौफ वाली कैफियत है, ये जो फियर वाली कैफियत है, ये इसमें बड़ा असर डाल रही है। तो कोशिश ये करें कि आप घर के अंदर अगर जिम्मेदार बंदे का एक दिलेर और एक जरूरतमंद फैमिली मेम्बर का रोल अदा करें, और आप घरों के अंदर इस डिस्कशन को पॉजिटिविज्म की तरफ लेके जाएं, आप घर में इनकरेजिंग डिस्कशन करें, ना कि डिस्करेजिंग डिस्कशन करें हर वक्त जो है ना वो इसको खौफ इसको एक एस्पेक्ट के तौर पर लें, प्रिकॉशनरी मेजर्स आप लेते रहें, लेकिन इस कोविड को अपने बच्चों के सामने अपने घर वालों के सामने इसको इसको जहनों पे सवार करने की जरूरत नहीं है कि हर टाइम जो है एवरी टाइम जो है वो आप बैठे हुए खाना खाते हुए भी आप कोविड को डिस्कस कर रहे हैं, आप बैठे हुए भी वो जनाब जब भी कहीं आपकी ऐसी गेट टुगेदर हो वहाँ आप लोग इसको डिस्कस करना शुरू कर दें, तो ये इसको जरूरत नहीं है डिस्कस करने की। आप बच्चों के सामने जो है ना वो ऑप्टिमिस्टिक गुफ्तगू करें, जिसको कहते हैं हम लोग के
ایک خوشنما قسم کی ایک وہ فل قسم کی امید والی گفتگو کریں کہ بھئی دیکھیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کو ستر ماؤں سے بھی زیادہ انسان سے پیار ہے، اللہ اس کا کوئی حل ڈھونڈے گا، اللہ ہمیں معاف کر دیں گے اور ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، تاکہ یہ نہیں، یہ ایک ایسی ڈسکشن جو ہے وہ پازیٹیوزم کی طرف جائے۔ اگر آپ پوری دنیا کے حساب سے تھوڑا سا موازنہ کریں تو یقین مانیں کہ بہت ساری چیزیں، جیسے ہم شروع میں لگ رہا تھا ہمیں کہ شاید یہ مسائل ہیں، تو اس حساب سے اس تیزی سے نہیں ہوا ابھی تک، بچے ہوئے ہم لوگ اللہ کا شکر ہے۔ چلیں آنے والے کچھ دن مسائل پیدا کر سکتے ہیں، یہ ایک مہینہ آپ یوں سمجھیں کہ کوئی طوفان آیا اور وہ گزر جائے گا، کچھ اس کے بالکل اثرات ہوں گے، لیکن آپ ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ ساتھ ساتھ اس کے حل بھی نکل آئیں گے، ساتھ ساتھ اس کے سولوشن بھی نکل آئیں گے۔ کتنی بڑی بیماریاں اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے آئی ہے، اس میں ٹی بی ہے، اس میں خسرہ ہے، اس میں پولیو ہے، اس میں بے شمار اس طرح کی امراض جو ہیں، ان کی ویکسین آ گئی ہے، سب کچھ ایسے ہی ڈیفینیٹلی، یہ چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ کچھ ہو جائے گا، اور فوری طور پہ یہ چونکہ سب کی مجبوری ہے کہ وہ اس کو کور کریں گے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب آپ ڈسکس کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں آپ خبریں بھی صرف محدود لمٹ تک دیکھیں، اب چلیں دیکھیں کہ آج کیا پوزیشن ہے، ایک آدھ دفعہ آپ خبرنامہ دیکھ لیں، اور باقی انٹرٹینمنٹ کے چینل بھی دیکھیں، تھوڑا بہت وہاں بھی جائیں، آپ کسی اسلامک چینل پہ بھی جائیں، آپ کسی جو ہے وہ جیوگرافیکل چینل پہ بھی جائیں، جو اینیملز والے چینل ہیں ان کو بھی دیکھیں، اپنے آپ کو کنورٹ کریں مختلف جو ہے وہ چیزوں میں، بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، خود کو بھی، ہر وقت اس چیز کو سوار کر کے۔ ابھی آپ دیکھیں چونکہ آج کل آپ کو پتا ہے ہمارے ہاتھ میں ایک موبائل ہوتا ہے، چلتی پھرتی نیوز ہے، اور موبائل پہ سوشل میڈیا پہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ لوگ سمجھ نہیں رہے، ابھی تو چلیں اس کا لابھ ہی آ گیا ہے کہ جو ذرا غلط خبر دے گا اس کو مسئلہ ہوگا، تو لوگ فوری طور پہ جناب اس میں خبر دیتے ہیں، گھر میں بیٹھے والد صاحب نے موبائل کھولا تو سارے بڑے کوئی پرسکون ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے، کسی نے خبر سنا دی جی آج تو یہاں سے بھی بندہ پکڑا گیا۔ اب لوگ یہ بھی نہیں کہتے کوئی کیس ٹریس ہوا ہے، کہتے ہیں بندہ پکڑا گیا، بھائی وہ کوئی مجرم تو نہیں ہے یار، اس نے جان بوجھ کے تو کچھ نہیں کیا، اس کو یہ تو اتنا اس طرح تو اس کو ٹریٹ نہ کریں، مین کہ اس کو وہ افیکٹ ہو گیا ہے، وہ دوسرے لحاظ سے وہ آپ اس کو مظلوم کہیں، ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے، اس کو بالکل اس سے یہ تو نہیں ہے کہ بالکل نفرت شروع کر دیں گے، دعا کریں۔ اور پھر جو سوچنے والی بات ہے کہ جب یہ ٹھیک ہونی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، تو اتنا زیادہ اثر لے کے گھر والوں پہ خدا را گھر والوں کو بھی متاثر نہ کریں اور خود بھی متاثر۔ جی شکر حسین، آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی، یہ بالکل درست ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ سوشل میڈیا بھی ہے، لیکن ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمانڈ سینٹر ہے جن کو گورنمنٹ پاکستان نے جو جن کی رسپانسبلٹی ہے، یہ باقاعدہ جو مختلف اداروں سے، جو مختلف کوارنٹائن سینٹر سے، جو مختلف ہاسپٹل سے، منسٹری آف ہیلتھ سے، وہ پوری کنکریٹ کمپریہنسو انفارمیشن لے کر وہ پریس کانفرنس کی شکل میں، پریس ریلیز کی شکل میں وہ ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں، دیٹ از دا کریڈیبل، جو ہمارے لیے سورس آف کریڈیبلٹی ہے یا کریڈیبل انفارمیشن کا ہے، وہ ہمارے پاس وہی کوآرڈینیشن سینٹر ہے۔ لیکن ادروائز جو ہم ریومر پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ جناب میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں جی کرونا کا ایک اور وار، دیکھیں اس طرح سے یہ ایک ٹیریفائڈ سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ گھر کے اندر دیکھیں، بالکل آپ نے درست نشاندہی کی کہ خبروں کا بھی ایک مخصوص ٹائم رکھ کے آپ جو آپ نے ود ان فیملی، ود ان ہوم، ود ان جو اپنے وہ جو اپنے میئر یا جو پروٹیکٹیو میئر آپ نے لینی ہے وہ تو جاری رکھیں، جو آپ اس میں یہ ہے کہ آپ اس پہ کمپرومائز نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا اپنے دماغ کے اوپر سوار کر لینا کہ ایک انزائٹی پروموٹ ہو رہی ہے اگر ان کے اندر شکر حسین، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ COVID-19 نقصان کرے گا یا نہیں کرے گا، ہم سائیکولوجیکلی اس قوم کو ڈسیبل کر دیں گے، اور یہ بڑے نگیٹو امپیکٹس اس پہ آ رہے ہیں ہماری سوشل لائف میں، اور پھر جو ہے نا اگریشن جو ہے وہ پروموٹ ہو رہا ہے، اور وہ اگریشن جسے ہم چڑچڑا پن کہتے ہیں، یہ بچوں کے اندر بھی پروموٹ ہو جائے گا، اور یہ بڑوں کے اندر بھی، اور یہ سب کے اندر پیدا ہو جائے گا، تو پھر ہم ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہارمونائز سوسائٹی پھر ہم پروموٹ نہیں کر سکتے۔ جی سر، آپ نے چونکہ بچوں کا ذکر کیا، آپ کو پتا ہے چھٹیوں میں بھی تھوڑا بہت اضافہ کر دیا گیا ہے، شاید 31 مئی تک اس میں مزید بھی اضافہ ہو سکتا ہے، تو آپ چونکہ خود ٹیچر بھی ہیں، ادارہ بھی چلاتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ بچوں کو کیسے لوگ جو ہے نا یہ ان کی مصروفیت۔ جی شکر حسین، یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایریا آف ڈسکشن ہے اس وقت، جو جس چیز کو سب سے زیادہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آج کے، اس لیے کہ یہ چھٹیاں جو ہیں یہ ایک تو ان ٹائملی ہوئی، اور پھر اچانک کر دی گئیں، اور پھر امتحانات کا سلسلہ جاری تھا، امتحانات ان پروگرس تھے، وہ تو چلو گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن کر کے سارے لوگوں کو، بچوں کو آگے پروموٹ کر دیا، یہ بھی ایک اچھی بات ہے،
कि एक क्राउड को क्राउड से बचाने के लिए और बच्चियों की और असाज़ा को इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, चलो ये गवर्नमेंट का एक डिसीजन है, हमने इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये एक इसको पॉजिटिवली लिया जा रहा है। शुक्र हुसैन, देखिए आप, बच्चे घरों के अंदर है, ये बड़ा मुश्किल काम, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बच्चियों को घर के अंदर उनको पाबंद कर लेना, उनको बिल्कुल बगैर किसी एक्टिविटी के घर में के अंदर रोकना, ये मेरे ख्याल है ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी ऐसी है, बच्चों को इस वक्त जो है वो इसका उनको इस चीज़ का सेंस नहीं है कि ये जो इसके कोविड-19 है इसके क्या असरात हैं, मरातब उन्हें हैं, ये बच्चों का एरिया ऑफ डिस्कशन नहीं है, ये एरिया डिस्कशन है बड़ों का कि उन्होंने इससे महफूज कैसे उनको करना है, चूँकि वो अभी इस लेवल पर नहीं है कि वो बात को समझे। प्रॉब्लम यहाँ ये आ रहा है कि वो घरों के अंदर है। अब मेरी वालदेन से ये गुजारिश है कि अब उनके वो अगली क्लास में तो प्रमोट हो गए, कोशिश ये करें कि वो अपने जानने वालों से, ताल्लुक वालों से, किसी न किसी हवाले से वो उनके लिए कोई बुक्स का अरेंजमेंट करें। अल्लाह करे अगर लॉकडाउन में नरमी हो गई तो कुछ शायद ये बुक डिपो वगैरह खुल जाएंगे, तो वो कोशिश ये करें कि अगर वो कोई बुक्स उनकी अगली क्लास की अवेलेबल नहीं है और वो अरेंज भी नहीं कर सकते, तो आप उनके पास जो घर के अंदर किताबें मौजूद हैं आप उनको वही री स्टडी करवाएं। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वह अल्लामा बन गए, उन्हीं किताबों को दोबारा वो उनको स्टडी करवाएं ताकि जो उनके गैप्स हैं, जो उनकी कमजोरियाँ हैं, वो मजीद जो है ना वो परफेक्ट हो जाए, वो दूर हो जाए, ताकि जब अगली क्लास में वो जाएँ तो वो बेहतर पोजिशन में अगली क्लास में जाएँ। ये बहुत ज़रूरी है और उनके लिए बाकायदा एक टाइम टेबल बना लें घर के अंदर और रवैयों को देखिए, क्योंकि वालिद भी मौजूद होता है तो कुछ जी भी उनकी, और फिर ये रहता है कि एसोसिएशन देखे ना, वालिद भी घर में मौजूद है, भाई भी मौजूद है, घर के बड़े बाकी अफराद भी आजकल घरों में ही मौजूद है, तो उनके पास भी एक सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी आ जाएगा कि वो बच्चों को पढ़ा रहे, अपने अपने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने रोल वो ले लें कि हमने इतने टाइम से टाइम मैनेजमेंट कर लें कि इतने वक्त से बच्चों को खिलाना है, उनको हमने कोई गेम खिलानी है, उनके साथ क्या उनको टीवी का टाइम मिलता है, मतलब गोया के वो तो खेल लेते, गेम ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए शुक्र हुसैन के वो, ताकि उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो जारी रहे। आप अगर अपने घर के मकान के ऊपर छत मौजूद है और आपके घर के आगे सैन मौजूद है तो आप उनको हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ में लगाए रखें ताकि उनकी जो जिसे कहते हैं ना साइको मोटर डोमेन, वो उनका मजबूत होता रहे, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती रहे। तो ये शुक्र हुसैन ये वक्त भी गुजर जाएगा, यानी ये जो वक्त है ये भी जल्द गुजर जाएगा, और ये जो एम्पल अपॉर्चुनिटी मिली है, वालदेन को मिली है, हम सबको मिली है, इसको मैं समझता हूँ कि इसको हम पॉजिटिवली यूज़ करें, प्रोडक्टिव बनाएं, और बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो घर से निकल जाते हैं, वो जाके कहीं गली मोहल्ले में खेलना शुरू कर दें, तो देखें ये हिडन एनिमी है, ये नज़र ना आने वाला दुश्मन है कि ये कहीं किसी भी तरीके से जो है ना वो बच्चों को साथ जी आएगा। वो नहीं आएगा, वो नज़र नहीं आने वाली चीज़ है, तो मेरे ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है। एक तो शुक्र हुसैन में वालदेन से भी गुजारिश करूँगा कि वो अपनी इस ऑनरशिप को लें, एक तो घरों के अंदर हम सब एक सोसाइटी के अंदर घरों के अंदर बिलखसूस, चूँकि लोग अब घरों के अंदर आइसोलेट हो गए, घरों के अंदर कोशिश ये करें कि एक पॉजिटिव रवैयों को प्रमोट करें, बहुत खूबसूरत बात आपने कि अपने रवैयों को पॉजिटिव रखें और एक शेयरिंग माइंड सेट बनाएं कि ये वो रवायती किस्म के जो सिलसिले हमारे घरों के अंदर होते हैं उससे अवॉइड करें, अपनी ख्वातीन को भी शेयर करें, ये सा ना हो कि जनाब अगर इकट्ठे हैं तो लोड ऑफ वर्क जो है वो हमारी ख्वातीन पर पड़ा रहे, मेरे ख्याल ये मुनासिब नहीं, इसमें आप अपने पॉजिटिव माइंड सेट को प्रमोट करें, एक शेयरिंग माइंडसेट को प्रमोट करें घरों के अंदर, उनके साथ भी कोऑपरेट करें, और मैं इसमें शुक्र हुसैन मैं ये समझता हूँ कि इसको वही बात दोबारा हम ये कहते हैं कि इस कोरोना वायरस को इस जो है ये इस पेंडेमिक को अपने जहनों के ऊपर, अपने दिमागों के ऊपर, अपने दिलों के ऊपर सवार ना होने दें, क्योंकि जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है वो मुतासर होती है, लिहाजा जो आपका जो आप इस बात पे हमारा ईमान आ जाता है होना चाहिए और इस बात पे फिर हम पहुंच जाते हैं कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है, जो भी हमारे लिए मसाइल हैं बिन जानिब अल्लाह हैं, और अल्लाह हमारे हमारी तौबा को कबूल करे, हमारे हम अपने अमाल को दुरुस्त करें, अपनी नीयतों को दुरुस्त करें, तो इंशाल्लाह शुक्र हुसैन मुझे यकीन है और हमारा ईमान हम सब का
कि हम एक नई तरह की कौम बन के सामने आएंगे और आने वाला जो माशरा है शुकुत हुसैन ये बड़ा चेंज माशरा होगा, बिल्कुल एक बड़ा ये दुनिया सारी चेंज होगी। हमारे क्या क्या चेंज जो है जो इससे मुतवक्को है और डेफिनेटली आ रहे हैं और कुछ पॉजिटिव चेंज भी है पूरी दुनिया में, उसमें आप देख लें कि एटम बम की क्या हैसियत रहेगी, माशी जंग की क्या क्या हैसियत रहेगी, बाकी चीज़ों की क्या क्या हैसियत रहेगी, जो लायक है जो समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं वो उनकी क्या क्या हैसियत रहेगी। ये चूँकि बड़ा एक इनकलाब आप यूँ समझे और बहुत अच्छी बात आपने कही, चूँकि वक्त है बहुत मुख्तसर है, एक दो बातें मैं नाज़रीन से ज़रूरी समझता हूँ करना। एक तो ये कि बिल्कुल कोरोने को इतना ना सोचें कि वो आपके दिमाग से ही पैदा हो और आप पे लागू हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बिल्कुल आवी ना होने दें सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि ये एक मौका है कि इस मौके पर आपकी अपनी अंदर की इंसानियत को जांचने परखने का भी मौका मिल रहा है। अगर आप दुकानदार हैं तो क्या आप अपने क्लाइंट के साथ किस तरह पेश आ रहे हैं, क्या आप अपनी चीज़ों को महंगा तो नहीं कर रहे, कहीं आप कहीं जखीरा अंदोली तो नहीं कर रहे, कहीं आप इस मौके से फ़ायदा उठा के ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में तो नहीं है। आपके जहन में ये बात भी होनी चाहिए कि वो कोरोना कहीं आपकी जखीरा अंदोली एक साइड पर रखेगा और आप पर ही हमला कर देगा और आपका ही काम कर देगा, तो आखिरी वक्त में जो काम आपसे हो रहा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और यकीनन अगर आप इस मौके पर कुर्बानी दे रहे हैं, सेक्रीफाई कर रहे हैं, मुनाफा कम ले रहे हैं, तो उसका अजर आप अजर की शक्ल में अल्लाह ताला आपको इस वबा से बचा भी सकता है। अगर आप इस मौके से किसी से कोई नजायज फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो इसके बदले में भी अल्लाह ताला इसके सदके में भी अल्लाह ताला आपको इस बीमारी से आप फैमिली को बचा रख सकता है। तो बाहर जब भी निकलें कोशिश करें, एहतियात करें, बाजार में जब भी जाएँ कोशिश करें मास्क पहन लें, हाथों के दस्ताने पहन लें, शाह साहब ने भी माशाल्लाह आज पहने हुए हैं, कोशिश करें जब भी सोशल डिस्टेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैं देख रहा था जनाब प्रोफेसर साहब के बाग में अभी लोग इस बात पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सोशल डिस्टेंस और पहनने और एहतियात के हवाले से काफ़ी मुझे आगे नजर आए। और ज़िला भाव को मैं इस लिहाज से भी, चूँकि आज़ाद कश्मीर के सारे अजला में ही काम हो रहा है, लेकिन ज़िला भाव की इंतजामिया और ज़िला भाव के लोग इस लिहाज से इस हद तक खुशकिस्मत है कि इन्होंने जिस तरह पाकिस्तान में सिंध में एक एडवांस रही है, सिंध का सूबा जो है वो एडवांस रहा है, आज़ाद कश्मीर में ज़िला भाव इस पर टॉप में रहा है, और अभी तक जितने भी रिजल्ट आए हैं वो भी नेगेटिव हैं, और अभी अल्लाह करे आने वाले दिनों में भी कोई बुरी खबर लोगों को सुनने को न मिले, मामला ठीक हो। प्रोफेसर सईद अलीम गर्दे साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम को यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, आप हमारे प्रोग्राम को लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी दूसरी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। लिब्रा नेटवर्क आपके लिए लिब्रा एफएम के थ्रू मुसलसल प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रखे हुआ है, रोज़ाना शाम 7 बजे वो करंट अफेयर के प्रोग्राम भी आप लोग लाजमी सुनें। इसके साथ ही शौकत हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।